बागपत में 55 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला की खून से लथपथ लाश जंगल में पड़ी मिली। बताया जा रहा है कि महिला जंगल में पशुओं के लिए चारा लाने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी और उसकी लाश रात्रि में मतान नगर के जंगल में पड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला बालेनी थाना क्षेत्र के मतांत नगर का है, जहां पर एक 55 वर्षीय महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मतांत नगर निवासी इमरान ने बताया कि वो और उसके तीन भाई बाहर रहकर काम करते हैं, जबकि मां फयाजान गांव में अकेली रहती थी। उसने बताया कि उसकी मां पशुओं के लिए चारा लेने खेत में गई थी। देर शाम को पूरा बुड़सेनी मार्ग पर राहगीरों को शमशान घाट के समीप उसकी मां का शव पड़ा मिला, जिसकी गर्दन रेत कर हत्या की गई थी। राहगीरों ने शव मिलने की सूचना प्रधान और पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। सीओ प्रीता सिंह का कहना है कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। टीम गठित कर दी गई है जो जांच में जुटी हुई है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। आज दिनांक 5 सितंबर 2024 की देर शाम करीब 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मतानत नगर जंगल ग्राम में ईख के खेत पे एक वृद्ध महिला का शव पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान फयाजिन वाइफ ऑफ स्वर्गीय मामुद्दीन और उम्र इनकी करीब 65 वर्ष बताई जा रही है। शव को तत्काल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया गया। घटना स्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया और इसमें फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर शीघ्र ही जो है FIR पंजीकृत कराई जाएगी और घटना के अनावरण हेतु जो है टीमों का गठन कर दिया गया है। थैंक यू।